इस वीरानगी में, इस स्टार्कनेस, इस काले पहाड़ों के दरमियान ये जो ब्लाइंड लेक है, ब्लाइंडिंग है एब्सोल्युटली। ये ब्लाइंड लेक है, इसकी जो टोटल एरिया है वो 2.5 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 80 फीट है। तो यहाँ कहीं पे 35, कहीं पे 40, कहीं पे 20 फुट, इस तरह। तो ये कैश फार्मिंग के लिए बहुत ही मौजून जगह है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान में पहली बार ट्राउट की जो कैश फार्मिंग है वो हमने यहाँ पर शुरू किया है। 2014 से हमने यहाँ पे शुरू किया है। तो यहाँ पे हर साल हम हज़ारों की तादाद में मछलियाँ यहाँ स्टॉक करते हैं, और इस केज में भी हम पालते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी के साथ हमारा टीओपी हुआ है, पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो इसका जो हमारा टोटल जो गेम फिशरी है उसका हम 80% कम्युनिटी को देते हैं लाइसेंस फीस, जो जहाँ पर हर साल एंगलिंग टूर्नामेंट होता है, जो मछली पकड़ने का मुकाबला, उसमें जितनी आमदनी होती है उसका 80% हम कम्युनिटी को देते हैं। उनका और हमारा डिपार्टमेंट के बीच में एक जॉइंट अकाउंट है। हर साल जो 80% उनकी जो उनका शेयर है वो हम उनके अकाउंट में डाल लेते हैं, 20% गवर्नमेंट का शेयर है। और ये केज जो कल्चर है इसका 80% गवर्नमेंट का शेयर है, 20% कम्युनिटी का शेयर है। तो इसमें हर साल हम हज़ारों की तादाद में झील में भी मछलियाँ स्टॉक करते हैं, ट्राउट के बच्चे, और इस केज में भी हम स्टॉक करते हैं। यहाँ टोटल ये जो आप देख रहे हैं इसमें 14 यूनिट है। हर यूनिट की जो कैपेसिटी है वो, ये एक छोटा सा ये जो यूनिट है ये 16x16 का है, इसमें 500 केजी तक हम ले सकते हैं। तो इसमें हर साल एंगली टूर्नामेंट के साथ साथ लोगों को यहाँ से हम अपने केज की हार्वेस्ट करने जो पैसे आते हैं वो भी हम कम्युनिटी को देते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा टूरिज्म फ्लो भी यहाँ, टूरिस्ट का फ्लो भी यहाँ इस साइड पे होता है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, कोई फिशिंग करते हैं, कोई यहाँ केज देख के, इस झील के जो कुदरती मनाजिर देख के वो भी खुश हो जाते हैं। इस साल हमने 60,000 दाने डाल दिए हैं, उसमें से 20% मोर्टलिटी रेट है। बाकी आइंदा नवंबर तक ये टेबल साइज़ के हो जाएंगे, तकरीबन 14 महीने में ये टेबल साइज़ के हो जाते हैं। और 14 में हमने शुरू किया था, फिर 15-16 दो साल चलने के बाद बड़ा ज़बरदस्त शानदार इसका, उस वक्त हम इसमें ईयरली यानी एक साल वाली मछली स्टॉक करते थे। तो 6 महीने में ये तकरीबन 300 ग्राम 400 ग्राम के हो जाते थे। फिर उसके बाद बीच में ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने 2 साल उन्होंने चलाया, तो उसके बाद से फिर हम चला रहे हैं। इसकी बड़ी शानदार आउटपुट है, अच्छा प्रोग्रेस है। तो ये अगर हम हमारे जो जितने भी लो अल्टीट्यूड लेक्स हैं वहाँ पे भी हम रिप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है आप कोई तालाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बना हुआ है। उसके बाद आपके जो अनटेप जो हमारे झीलें हैं जहाँ पे डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, उसमें भी हम ये हमारे अगले जो प्रोजेक्ट हैं उसमें हमने रखे हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट मुख्तलिफ जो हैचरीज है वहाँ पे ये ट्राउट है, इसके आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के थ्रू हम बच्चे पैदा करते हैं। उसमें सर फहरिस्त हमारा खुश हो ट्राउट हैचरी है, वहाँ पर हर साल हम 6 से 7 लाख बच्चे, ट्राउट के बच्चे हम वहाँ पे पैदा करते हैं। उसमें से जो हमारे अभी हमारे स्कर्दों में, सिर्फ स्कर्दों में तकरीबन को 140 फार्मर्स हैं, तो उनको इन जितनी उनकी नीड होती है वो देने के बाद बाकी हम नेचुरल रिसोर्सेस में नदी नालों में हम स्टॉकिंग करते हैं। पिछले दिनों हमने सपारा में 20,000 बच्चे हमने स्टॉक किए। इसी तरह अभी इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम कचुरा
अपर लेक में करेंगे, सुखनाला में करेंगे और इसी तरह सतपारा सॉरी बशो में हम स्टॉकिंग करेंगे। खरमा में दो तीन बड़े जो नालास हैं वहाँ पर भी स्टॉकिंग करेंगे। इसी तरह बल्तिस्तान रीजन में गांछे में सोगा में जो हैचरी है वहाँ से सालाना 8 से 9 लाख बच्चे वहाँ से पैदा होते हैं, तो वहाँ से भी एवन गिलगित तक वो लोग बच्चे यहाँ से लोगों को सप्लाई करते हैं। इसी के साथ साथ फिर जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनमें स्टॉकिंग करते हैं।